आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी में 58 सीटों पर मतदान जारी, 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जा रहे वोट। यूपी में पहले चरण के 58 सीटों पर वोटिंग जारी, कई जगह पर ईवीएम खराब, बाद में बदली गई ईवीएम। पहले चरण को लेकर जबरदस्त उत्साह, सुबह से लगी लंबी कतारें, वोट डालने के बाद बोले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली, लोगों के लिए ये फैसले की घड़ी, बेहतर विकल्प चुनने का है मौका। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 केस मिले। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण के 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा आज। इस बार वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसको लेकर कई जिलों की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, नोएडा, आज कई जगह मतदान है और मतदान की तस्वीरें सामने आई हैं, और ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पे मतदाता अपने मतदान के बाद काफी खुश नजर आए, तो वहीं पे कुछ मतदाता काफी नाराज भी नजर आए, उन्हें कुछ तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। मथुरा से और कई ऐसे जिलों से खबर सामने आई है जहां पे ईवीएम में खराबी देखने को मिली है, जिसकी वजह से मतदाता लंबी कतारों में लगे दिखाई दिए। कुछ जगह ग्रामीणों ने विरोध भी दर्ज कराया, तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनावी वक्त है और पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया यूपी में। काफी प्रचार प्रसार के बाद आज जनता चुनाव में अपना योगदान देने पहुंच रही है। बुलंदशहर की तस्वीर देख सकते हैं आप, किस तरह से गुब्बारों से सजाया गया है, मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं अलीगढ़ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से हर तरह के लोग, वो चाहे वृद्ध हो, विकलांग हो, या फिर महिलाएं हो, बड़े हो, बूढ़े हो, या फिर पहले ऐसे मतदाता जो अपना पहले मतदान को उपयोग कर रहे हैं, वो भी पहुंचे। आगरा में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में कई जगह ऐसे है जहां पर अच्छी खासी संख्या में मतदान 9 बजे तक पड़ चुका है। आगरा में 7.53% मतदान हो गया है, अलीगढ़ में 8.26% मतदान हो गया, बागपत में 8.93%, बुलंदशहर में 7.51% मतदान हो चुका है सुबह 9 बजे तक। पहले चरण का मतदान आज देखने को मिल रहा है आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, अच्छे रिस्पांस निकल के सामने आ रहे हैं। तो यूपी का पहले चरण का मतदान है आगरा में 7.53% मतदान सुबह 9 बजे तक पूरा हो गया है, अलीगढ़ में 8.26%, वहीं बागपत में 8.93% पूरा हो चुका है मतदान। बुलंदशहर में 7.51% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। तो पहले चरण का आज मतदान देखने को मिल रहा है और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। मतदाताओं द्वारा अपने मत का उपयोग करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे लोकतंत्र के पर्व में आज मतदाता, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह ही लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। आपको बता दें कि सुबह से ही कई बड़े दिग्गजों का, बड़े राजनेताओं का ट्वीट भी सामने आया है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर, पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि सुबह सुबह सबसे पहले तैयार होकर मतदान करने अपने चुनाव बूथ पर जाएं, अपने मतदान केंद्र पर जाएं, वहां पे अपने मत का उपयोग करें, उसके बाद कुछ करें। आपको बता दें कि तस्वीरें देख सकते हैं आप, आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर की तस्वीरें आपको दिखा दी है। 7.53% साथ ही अलीगढ़ 8.26%, बागपत से 8.93%, बुलंदशहर से 7.51%। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 8.33% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। गाजियाबाद में 7.37% मतदान हो चुका है। हापुड़ में 8.20%, मथुरा में 8.30%,
मेरठ में 8.4%, मुजफ्फरनगर में 7.50% और शामली की बात करें तो 7.70% मतदान हो गया है। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, बुलंदशहर से शिवांग ने जायजा लिया। इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर में पोलिंग बूथ पर और यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि आने जाने का मतदाताओं का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर मतदाता जो है वो आ रहे हैं अपने अपने वोट डालने के लिए, ज्यादा बातचीत करेंगे इनसे। सर क्या नाम है आपका? दलित तायल। अच्छा ये बताइए किन किन मुद्दों को लेकर आज आप मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे, मेन तो विकास के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, यही सब है। लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, आज वोट डालने जा रहे हैं, किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? अच्छा उत्साह है, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेगी। कितनी खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि मतदान किया। मैम क्या नाम है आपका? मीनू दायल। अच्छा किन मुद्दों को लेकर आप जो है वोट देंगे? ये कि देश में बस विकास होता रहे अपना अच्छे से। अच्छा तो यहाँ पर देखने को जैसा कि देखा गया है कि मतदाताओं में काफ़ी उत्सुकता नज़र आ रही है और काफ़ी खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार, जो मतदाता इनसे जानने की और कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। अच्छा किन मुद्दों को लेकर आपने आज मतदान किया है? विकास के मुद्दों को लेकर मतदान किया है। सर ये बताइए कितना उत्सुकता यहाँ पर देखी गई है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। काफ़ी उत्सुकता देखी गई है और ये देखा गया है कि लोगों में बहुत उत्साह है। अच्छा आप फर्स्ट वोटर हैं आप? देखिए हमारे साथ यहाँ पर फर्स्ट वोटर हैं, पहली बार वोट देने के लिए आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या मन में लेकर, किन चीज़ों को, मुद्दों को मन में लेकर के आज आपने वोट किया है? उनके सब कार्य को देखते हुए हमने वोट किया है। आपका क्या नाम है? मोहिनी। किन मुद्दों को लेकर कितनी उत्सुकता है आप? बहुत है, अभी जब जितना हमने उनका वर्क देखा है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना वोट दिया है, मतलब खुशी की लहर है। हाँ तो देखा ये फर्स्ट वोटर थे और यहाँ पर हमें देखने को मिला है फर्स्ट वोटर भी लगातार उत्सुकता बढ़ते हुए हैं और खुशी की लहर उनमें भी लगातार देखने को मिल रही है। वोटिंग पोलिंग बूथ पर यहाँ पर वोटरों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और मैं आपको बता दूँ कि टाइम पीरियड जो है वो सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है और शाम को 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग चलती रहेगी। बुलंदशहर से शिवांग शर्मा, प्राइम टीवी। अगर अलीगढ़ की बात करी जाए तो अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं हैं जिसमें 7 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं। अगर बात करी जाए जनता की तो सर्दी के कारण जनता बहुत लेट निकली है और अब कैमरे के माध्यम से भी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, जनता घर से निकलने लगी है। और मतदान की अगर बात की जाए तो 3134 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और बात करी जाए अगर ज़िले में कुल मतदाताओं की तो 27,65,074 पूरे मतदान हैं और उसमें अगर देखी जाए अगर संख्या तो पुरुषों की संख्या है 14,72,943 है और महिलाओं की संख्या 12,91,961 है। और अगर बात करी जाए अगर सुरक्षा की और अगर कोविड के चलते अगर जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि लगातार सैनिटाइज़र, हाथ में ग्लव्स और लोगों को बचाव के लिए मास्क दिया जा रहा है। और अगर आप बात करी जाए जनता की तो जनता मिल रहा है और जनता को बहुत खुशी है। और अगर बात करी जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं और रक्षा की तो आप देख सकते हैं सारी सुरक्षाएँ लगातार बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से किया जा रहा है सब कुछ। मैं नितेश माहेश्वरी, प्राइम टीवी अलीगढ़। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के मेरे का मतदान जारी है और हमारे संवाददाता ने बुलंदशहर से और अलीगढ़ से जायजा लिया मतदान केंद्र का और जनता से बात भी करी और जाना कि कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट वोटर है, जो अपने मत का पहली बार उपयोग करने पहुंचे हैं, उनमें भी खुशी की लहर है और उनसे बात करी गई कि किन मुद्दों पे वो चुनाव में इस बार भाग लेके अपने मत का प्रयोग करेंगे, आखिर किस मुद्दे के साथ उन्होंने इस बार अपना वोट दिया है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि विकास और सुरक्षा, विकास और सुरक्षा हर देश के लिए काफी अहम है, हर मतदाता के लिए अहम है, सभी चाहते हैं कि देश विकास करे। जब देश विकास होता है तो हर एक नागरिक का विकास होता है, तो विकास का मुद्दा काफी अहम है। फिर है सुरक्षा का, हर व्यक्ति एक सुरक्षित जीवन चाहता है, सुरक्षित वातावरण चाहता है और ऐसा चाहता है कि जब मन करे अपने काम के लिए वो निकल सके, ऐसा ना हो कि रात के डर से या फिर अपराधियों के डर से घर में बंद होना पड़े।
किसी जरूरी काम से जाना है और भय की वजह से वो ना जा सके, तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो ये दो अहम मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आज जनता वोट कर रही है। सुबह से ही सभी मुख्य पार्टियों के बड़े नेता, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो या फिर मायावती हो, सभी का ट्वीट सामने आ रहा है और सभी वोट की अपील कर रहे हैं। सुबह सुबह सबने वोट की अपील करी है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपील करी जनता से कि अपना वोट जरूर करें, सही मुद्दों को देख के, सही पार्टी को देख के और सही विकास को देख के कि कौन विकास करता है, कामों को देख के अपनी मत का प्रयोग करें। तो वहीं एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है आज पहले चरण का मतदान। नोएडा की तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से सजाया हुआ है चुनावी बूथ को, मतदान केंद्र को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बुलंदशहर से भी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, वहां पे भी कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, एक पर्व की तरीके। हमारे देश में जो चुनाव है वो किसी पर्व से कम नहीं होता है। यहाँ नोएडा और बुलंदशहर की तस्वीर हम खास तौर से आपको दिखा रहे हैं, सजाया गया है पूरे मतदान केंद्र को। आगरा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अलीगढ़ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति चलने में असमर्थ है लेकिन फिर भी बूथ तक जा रहा है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। वहीं मेरठ की तस्वीर भी सामने आई है जहां पे बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में पहुंचे और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सभी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस पर्व में कुछ बाधा बनी ईवीएम की खराबी। ईवीएम की खराबी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन भी लिया है और साथ ही साथ एक्शन लेने के साथ ही ईवीएम को बदला भी गया है। कुछ जगह ऐसी भी रही जहां पे देर से मतदान शुरू हुआ और मतदान देर से शुरू होने की वजह से उसका समय भी बढ़ाया जाएगा, जिस तरह से कोरोना काल को देखते हुए एक घंटे का समय बढ़ाया गया है। लेकिन जहां पे भी ईवीएम खराबी की वजह से मतदान को रोकना पड़ा वहां पर भी समय सीमा को और बढ़ाया जाएगा ताकि मतदाताओं को असुविधा का सामना ना करना पड़े। आज 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और वहीं अब दूसरे चरण की तरफ भी लोगों का, प्रत्याशियों का सबका रुझान है क्योंकि दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और 6 बजे तक चलेगा। जनता को असुविधा ना हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सके, मास्क सैनिटाइजर की उपलब्धता देखने को मिल रही है बूथों पे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सुबह से ही, सबसे पहले जिस तरह से सुबह इंसान तैयार होके ईश्वर को याद करता है, पूजा प्रार्थना करता है, वही इसी तर्ज पर आज लोकतांत्रिक जो पर्व है उसको भी लोग मनाते हुए दिखे। सबसे पहले पूजा पाठ करते ही जलपान से पहले बूथ केंद्र पहुंच गए, अपने मतदान केंद्र पहुंच गए और सबसे पहले चुनाव में अपना योगदान दिया, अपने मत का उपयोग किया। तो उत्तर प्रदेश की आज 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग है और ये काफी अहम है। पहले चरण की 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। इस बार वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही है। पहले इसका समय 7 से 5 का था लेकिन एक घंटे का समय बढ़ाया गया है कोरोना काल को देखते हुए, जिसको लेकर कई जिलों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही साथ जो प्रतिशत सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि काफी उत्सुकता के साथ और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मतदाताओं का। और इस खबर पे हमारे साथ अब संवाददाता बुलंदशहर से शिवांक जुड़ चुके हैं। उन्होंने बूथों का जायजा लिया, मतदाताओं से बात करी और मतदाताओं से जाना कि इस बार उन्होंने किन मुद्दों को लेकर अपना मत का प्रयोग किया है। शिवांक, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है तो उनके कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमने जब बात करना चालू करा यहाँ पे जो मतदाता आए, जो मतदाताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है, लगातार हमने उनसे बात कर रहे हैं। उनसे बात करने में मालूम पड़ रहा है कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो इस बार वोट जो दी जा रही है वो विकास के मुद्दों को लेकर दी जा रही है। विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं दिमाग में लेकर मतदाता जो है पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं और अपनी वोट डाल रहे हैं। तो विकास के मुद्दे बहुत अहम है इस बार के विधानसभा चुनावों में अगर बात करें। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर मतदाता है वो लगातार सुबह से ही 7 बजे से उनका आने का सिलसिला जारी हो गया है। शाम को 6 बजे तक लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा, पोलिंग बूथ पर वोट डलती रहेगी और काफी उत्सुकता नजर आ रही है। हमने फर्स्ट टाइम वोटरों से भी बात की, उनमें काफी उमंग थी, काफी उत्साह था, खुशी की लहर थी। जो फर्स्ट टाइम वोटर थे इनका लगातार यही कहना था कि विकास के मुद्दे हैं, जो काम किया है शहर में, जो जो प्रत्याशियों का जिनका काम दिखा है उनके आधार पर उसको वोट दी जाएगी।
जी शिवांग, मतदाताओं का काफी रुझान देखने को मिल रहा है, 9 बजे तक 7.51% बुलंदशहर में वोटिंग हो गई है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है शाम तक कितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो 9% जो है मतदान लगातार मतदान हो गया है और यहाँ पर अभी भी सिलसिला जारी है और शाम तक रेस्पॉन्स जो है अभी तक जो रेस्पॉन्स दिख रहा है मतदाताओं का वो खासा रेस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शाम तक भी अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, पोलिंग बूथ पर लगातार सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात है और लंबी लंबी कतारें लगे हुए हैं, मतदाता लगातार आ गए हैं और अपने वोट जो है वो पूरी तरीके से वोट डालने के लिए एक एक करके अंदर जाने का सिलसिला जारी है। शिवांग, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी, जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को राहत भी मिल रही है ठंड से, क्या कहेंगे? लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, भीड़ भी बढ़ेगी, तो क्या इंतजाम करे गए सोशल डिस्टेंसिंग के? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुबह का समय था लेकिन ठंड ज्यादा थी और इस वजह से जो मतदाता है वो थोड़ा सा लेट आने लगे हैं और जो सुबह थे वो काफी इतने ज्यादा मतदाता नहीं पोलिंग बूथ पर पहुंच पाए थे ठंड के कारण, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मौसम में धूप निकली है, धूप के चलते तो वहां से घर से मतदाताओं का भी निकलने का सिलसिला जारी है और मतदाता जो है वो लगातार अब जो है देखने को मिल रहे हैं, जो अब भारी तादाद में मतदाता अपने वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल शिवांग, अपडेट देते रहिए और नजर बनाए रखिए, इस चुनाव पे काफी अहम है आज का दिन, हर एक अपडेट देते रहिए शिवांग, हमारे साथ संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े थे। तो आज का चुनाव काफी अहम है, पहले चरण का चुनाव है, काफी रुझान देखने को मिल रहा है, अभी तो 6 और चरण बाकी है, 7 चरणों में इस बार मतदान हो रहा है यूपी में, काफी अहम है, नोएडा में, बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, आगरा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सभी जगह मतदान इस वक्त जारी है और हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं हर एक जिले पे जहां जहां आज वोटिंग है। और इस खबर पे हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, जनता का रुझान देखने को मिल रहा है और अलीगढ़ से 8.26% अभी तक 9 बजे तक मतदान हो गए हैं, क्या कहेंगे नितेश? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, तो आपको बता दें कि अच्छी खासी जो अभी तक के प्रतिशत निकल कर सामने आए हैं, काफी संख्या में मतदान हो रहा है और हम कह सकते हैं कि जनता को जिस तरह से प्रेरित किया गया है ये उसी का नतीजा है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और दो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, अभी हमारे साथ बुलंदशहर से शिवांग जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, ठंड होने के बावजूद लोग सुबह 7 बजे ही मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंच गए। वहीं अलीगढ़ से हमारे संवाददाता नितेश जुड़े हुए हैं, सुबह से ही मतदान केंद्र पर है और नजर बनाए हैं, सभी मतदान केंद्रों की बात करी जाए तो सब जगह अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और 9 बजे तक अलीगढ़ से 8.26% अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं लोग और लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि ठंड का समय है और ऐसे में लोग सुबह निकलने से कतरा जरूर रहे थे लेकिन जो भीड़ से परेशान नहीं होना चाहते थे, जो जल्दी अपना मतदान करना चाहते थे वो सुबह सुबह पहुंच गए, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलेगी, जैसे जैसे मौसम सामान्य होगा वैसे वैसे लोगों की संख्या पोलिंग बूथ पर और बढ़ेगी। और अब हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर अलीगढ़ से नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरह का इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है, लोगों की भीड़ देखने को मिल रही, मौसम सामान्य हो रहा है, ठंड कम हो रही है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, क्या कहेंगे? शिखा, मैं आपको बता दूं अगर बात करी जाए भीड़ की तो इस समय लगातार भीड़ का अभी भीड़ नहीं है क्योंकि इसका एक रीजन है कि सर्दी के मारे लोगों को अभी निकलने में काफी दिक्कत हो रही थी, अब धूप निकली है तो जनता निकलना शुरू हो गई है। जी, तो जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं और जो पहले मतदाता जो अपने मत का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं उनका रुझान कैसे देखने को मिला, वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं नितेश? शिखा, मैं आपको बता दूं अगर नई जनरेशन की बात करी जाए, युवाओं की बात करी जाए तो उनमें काफी उत्साह और हर्ष देखने को मिल रहा है क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है वोटिंग करने के लिए जो पहली बार वोट दे रहे हैं। अगर बुजुर्गों की बात करी जाए तो 80+ लोग भी अगर स्ट्रेचर पे भी आ रहे हैं और अगर करिए यंग एज होगी तो सब लोग बहुत हर्ष के साथ
वोट डालने के लिए आ रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी का प्रतीक मिल रहा है सब कुछ। नितेश, विकलांगों और वृद्धों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है इस बार? अगर विकलांगों और बुजुर्गों की बात करी जाए तो स्ट्रेचर की व्यवस्था भी है, व्हील चेयर की व्यवस्था भी है, जिसको नहीं चला जा रहा है तो पूरी व्यवस्थाओं का सब सब साधन है जी। और सुबह सुबह लोग पहुंच गए वोट करने, तो क्या वो भीड़ से बचना चाह रहे थे इसलिए वो सुबह सुबह पहुंच गए? कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस वक्त? अगर शिखा बात करी जाए अगर भीड़ की, तो अभी कोई ऐसी कोई खास भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर देखी जाए तो कोविड के चलते लोग अपने बचाव करते हुए लगातार मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और हाथ में ग्लव्स पहनकर बटन दबा रहे हैं, जिससे क्या है कि लोगों को कोरोना काल का काफी इस चीज का देखने को मिल रहा है जी। नितेश, अभी तक जितने प्रतिशत सामने आए हैं कि वोटिंग हो चुकी है, क्या कहेंगे लगातार शाम तक कितने प्रतिशत वोटिंग की उम्मीद है? और क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस तरह से प्रेरित किया गया है वोट डालने की, क्या उसी का नतीजा है पिछली बार से इस बार के प्रतिशत में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? अगर प्रतिशत की बात करी जाए तो इस समय कोई भी प्रतिशत इतनी खास प्रतिशत नहीं रही है, 8.5% सातों विधानसभा पे अभी अगर अपडेट देखी जाए तो 8.5% ही वोट पोलिंग हुई है इस समय। और अगर बात करी जाए कि अगर शाम तक की पोलिंग की, तो उम्मीद है कि 60% वोटिंग होने की उम्मीद है जी। तो क्या पहली बार पिछली बार के चुनावों के मुकाबले क्या इस बार कुछ प्रदर्शन बेहतरीन होता नजर आ रहा है? अगर इस बार की बात करी जाए तो पहले की तरह ही देखने को मिल रहा है। पहले भी 60% 61% वोटिंग ही होती थी, इस बार भी 60% 61% वोटिंग ही होने की उम्मीद दिख रही है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर एक खबर पे अपडेट देते रहिए और छोटी छोटी अपडेट पर नजर बनाए रखिए। इस खबर पे हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता नितेश जुड़े हुए थे। तो प्रतिशत की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा अच्छे तो आंकड़े नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगरा से 7.53%, अलीगढ़ से 8.26%, बागपत से 8.93% मतदान अभी तक हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।